अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं आज मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। थोड़ी देर में मैट्रिक का जो पेपर चल रहा है उसका सारा पेपर ख़त्म होने वाला है, सारे बच्चे बाहर आएंगे, तब उसके बाद मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाऊँगा। आज मैं सारे स्टूडेंट से पूछूँगा कि भाई आज किस चीज़ का पेपर था और कैसा आप लोगों का पेपर गया। तो यहाँ पे आप हमारे एक दोस्त मिल चुके हैं जो कि मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए आए हो, दूसरा सिटिंग में इनका एग्ज़ाम है, तो मैं इनसे कुछ पूछने वाला हूँ कि भाई आज जो आपका एग्ज़ाम है क्या आपने उसकी तैयारी सही तरीके से की है? नहीं भाई, मैं अभी खैनी और ताश खेल कर आ रहा हूँ, तैयारी हुआ नहीं है, बाकी रीड एंड पास से लेकर घुस जाएंगे। तो भाई लोग आपने सुना कि ये खैनी और ताश खेल के आ चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं रीड एंड पास लेकर एंट्री करूँगा, क्या आपको रीड एंड पास लेकर जाने देंगे? सारे ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं, क्या आपको रीड एंड पास अंदर लेकर जाने देंगे? देखिए, पहला बात कि कोरोना में पढ़ाई हुई नहीं है और हम लड़के लाचार हैं, अब लेकर जाना ही पड़ेगा, चाहे अंडरवियर में डाल कर ले जाए या हाथ में दिखा कर ले जाए, लेकिन किसी तरह हमें लेकर जाना है, नंबर सही लाना है, तो लेकर रीड एंड पास घुसना ही पड़ेगा और कोई चारा भी है नहीं हमारे पास। जैसा कि आप सबने देखा दोस्तों कि ये बोल रहे हैं कि रीड एंड पास लेकर हम जाके अपना मतलब कि एग्ज़ाम पेपर लिखेंगे। दोस्तों अब तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है। देखिए दोस्तों, ये सारे गार्जियन जो कि अपने बच्चे बच्चियों को लेकर आए हुए हैं एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। ये जो है ये हम लोग का DAV कॉलेज है, DAV PG कॉलेज है जो कि सिवान में स्थित है। कुछ ही देर में फर्स्ट रीडिंग का पेपर समाप्त होने वाला है, उसके बाद मैं आपको अगला नज़ारा दिखलाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो इसी तरह देखते रहिए। आप भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है दोस्तों यहाँ के सारे बच्चे बोल रहे हैं पेपर तो एकदम आसान है लेकिन कढ़ाई बहुत ज़्यादा मुशक्कत से हो रही है, लेकिन सारे लड़के बोले पेपर एकदम इजी था, सही सही लिखा है, अच्छा नंबर आने की संभावना है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ के जो भी कर्मचारी है वो सारे बच्चों को मतलब कि गेट से दूर रख रहे हैं ताकि अंदर के आने वाले बच्चों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। देख ही रहे हैं दोस्तों, आप ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है यहाँ की, जो कि फर्स्ट सीटिंग का जो एग्ज़ाम है कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है और दूसरे सीटिंग के सारे बच्चे यहाँ पे आके अपनी लाइन पेपर एडमिट कार्ड लेकर लाइन में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सीटिंग का जो कि छुट्टी हो चुका है, सारे बच्चे कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं। मैं उन लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, भाई तुम लोग का पेपर कैसे गया? बहुत सारे मौजूद इकट्ठे लोग अपने अपने बच्चियों को लेकर आए हैं एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हुई है ताकि लोगों को समझ नहीं पा रहा है कि आपने बाइक कहाँ पे लगाए। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, सारे बच्चे अपने पेपर देकर निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़ाई हो रही है लेकिन पेपर एकदम आसान आ रहा है, सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं सारे बच्चे यहाँ पे सब डंडे लेके सारे छात्रों को भगा रहे हैं ताकि अंदर से आने वाले छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। और ये यहाँ DAV की नालियाँ हैं जो कि नाली के साइड में सारे बच्चे खड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, सारे बच्चे अपना पेपर दे देकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो सब बोलने लगे बहुत ज़्यादा हार्ड ही था, लेकिन मेरे को पता था एकदम आसान था, लेकिन ये सारे बच्चे बोले नहीं आज का पेपर बहुत हार्ड था। मिन्हा जय हम देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है सारे दोस्तों। ये देखिए छात्र यहाँ पे मौजूद है, सारे बच्चे आज परेशान हैं क्योंकि पेपर बहुत ही हार्ड आया था, इनको कुछ समझ ये सबसे जरूरी ये कोरोना की वजह से हम लोग पास होने की ऐसी बात नहीं है, इन लोगों को समझना चाहिए। ये सब सारे बच्चे निकल रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे बात करने के लिए, ये सब समझ रहे हैं उन लोगों को घबराहट सी हो रही है, उनको क्या बोले क्या। मैं किसी न किसी को ढूंढ कर आप लोगों से गुफ्तगु करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने 22 लाख छात्र इस कॉलेज में उपस्थित है एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं। देखते रहिए दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद तो मैं एक होनहार छात्र से आपकी गुफ्तगु करवाना चाहता हूँ। तो भाई आपका पेपर कैसा गया? कि पेपर तो बहुत अच्छा गया, चीट बहुत हो रहा है।
भाई आप लोगों को लग ही रहा है कि ये सारे बच्चे बोले कि अंदर बहुत ज़्यादा चीटिंग चल रही है, लेकिन ये इन लोगों का पेपर आज बेस्ट गया है। सबसे सबसे बेस्ट आप लोगों का पेपर कौन सा था भाई? इसमें कितना नंबर आ सकता है, कितने नंबर? 110 नंबर आएगा जरूर। तो भाई तो आप लोगों ने देखा कि ये बंदे बोल रहे हैं कि मेरा मैट्रिक का जो पेपर है उसमें 110 नंबर आने की संभावना है। तो भाई यहाँ पे बहुत सा ज्यादा भीड़ हुआ है। एक मिला लाल का, अब हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो जो भाई जो 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 सिवान की सबसे बड़ी खास बात ये है कि लड़कों के लिए अलग से अलग सेंटर दिया गया और लड़कियों के लिए अलग से, ये लड़कियों का सेंटर, लड़कों के लिए अलग सेंटर दिया गया और लड़कियों के लिए अलग सेंटर दिया। आप देख ही सकते हैं ये जो सेंटर दिख रहा है ये सारे लड़कियों के लिए सेंटर दिया गया है। तो ये जो कि ये जो दिख रही है राजेंद्र स्टेडियम है दोस्तों, देख लीजिए ये सिवान में उपस्थित है राजेंद्र स्टेडियम, उसी के सामने इतने ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। आप देख ही सकते हैं कितने सारे बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए एग्जाम का पेपर देने के लिए। ये जो दिख रही है राजेंद्र स्टेडियम, देखिए आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। और इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो आज का समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।